जी अडानी जी के बारे में बताइए, यहाँ से क्या उनका था उस समय? माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी 90 में 22 अक्टूबर के रात में सर्किट हाउस में आए थे। हम लोग उनका अगवानी करके सर्किट हाउस में विश्राम के लिए 7 नंबर कमरा में बैठा आराम करने के लिए पहुंचा दिए। उनके साथ कैलाश जी थे। हम लोग यहाँ से उस आराम करने के लिए उनको छोड़ कर के चले गए। बाद में सुबह में हम लोग कुछ हल्ला हुआ कि ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर आया है, उनकी गिरफ्तारी होगी। हम लोग दौड़ करके आए, तब तक हेलीकॉप्टर में अडवाणी जी को बैठा लिए थे। वहाँ से IAS अफसर RK सिंह आए थे और रामेश्वर उरांव जो IPS थे, दोनों आदमी आए थे और अडवाणी जी को लेके चले गए। हम लोग बहुत विरोध किए, हम लोग अडवाणी जी के गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन दिए और हम लोग गिरफ्तारी दिए और लगभग 175 आदमी 10 दिन हम लोग रोसड़ा अनुमंडल जेल में रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब अडवाणी जी को भारत रत्न देने की बात हुई है और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, हम लोग बहुत खुश हैं। हम क्योंकि समस्तीपुर से गिरफ्तारी के बाद अडवाणी जी का विशेष लगाव हो गया था और समस्तीपुर के जनता खास करके, वैसे तो भारत की जनता खुश हुआ लेकिन समस्तीपुर का जनता जो गिरफ्तारी के समय उनसे लगा हुआ था, उनके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दे करके जेल में रहे, हम लोगों के बीच बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय आप लोग विरोध किए थे, जेल भी जा चुके हैं? हम लोग विरोध किए थे और विरोध चूँकि समय इस तरह का था कि वहाँ पर में लोग ज़्यादा नहीं पहुँच पाए और बड़ी आसानी से हमारे जो IAS और IPS अफसर RK सिंह और रामेश्वर उरांव थे लेकर के, चूँकि हेलीकॉप्टर आया था, हेलीकॉप्टर से उन्होंने उनको लेके चला गया। उनका हेलीकॉप्टर जो है सो कहाँ लैंड किया था, कौन सा ग्राउंड? ये पटेल मैदान ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था और वहीं से उनको लेके उड़े। 7 नंबर का क्या मतलब इसका इतिहास है, जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं? इसी कमरा में हम लोग इनको छोड़ करके आराम करने के लिए यहाँ से चले गए थे, इसलिए इस कमरा का भी उनसे लगाव है। अभी उनका जो है भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, कैसे देखते हैं, किस नज़र से? हम लोगों के भीतर बहुत खुशी है, आपस में हम लोग एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे को टेलीफोन से जानकारी दे रहे हैं और खुशी की लहर समस्तीपुर के जनता को तो है ही, और ख़ास करके जो हम लोग 175 आदमी जेल में उस विरोध में थे उनके बीच ज़्यादा है, वैसे 175 आदमी से बहुत लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोग हैं उनके बीच बहुत खुशी है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। विरोध किए जा गिरफ्तारी का विरोध किए जाने के कारण 175 लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उसमें आप भी थे? हाँ, उसमें हम भी थे। हमको तो 175 लोगों के साथ 90 में थे और हमारी गिरफ्तारी तो 92 में जब कार सेवा शुरू हुआ अयोध्या में, तो उसके बाद जो है सो 1992 में भी हमको अरेस्ट किया गया और उसमें हम 1 महीना समस्तीपुर जेल में रहे। सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण ही आप जेल में रहे? बस गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए चलते हमको जेल में डाल दिया गया। नाम है सर आपका? हरे राम चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।